हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, टॉप 10 सिग्मा रूल ऑफ इंडियन आर्मी। बहुत रिक्वेस्ट थी ये वाली वीडियो करो इंडियन आर्मी की, सिग्मा रूल्स की। हमने कहा क्यों नहीं, लेट्स सी ये सिग्मा रूल कैसी है। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वीडियो जरूर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना और हम हमें भी कर दो यार सब्सक्राइब। हियर वी गो, लेट्स सी। कंटेंट डिस्क्लेमर पढ़ लो भाई अच्छे से। मोदी साहब, आपको लाख बार समझाया है लेकिन कब समझ में आया। हर बार आते हो, बुरी नीयत लाते हो, हर बार पीठ दिखाते हो, दुम दबाकर भागते हो, हर बार मार खाते हो और पहले से बुरी तरह खाते हो। तुम्हारे फौजी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। देखिए, पाकिस्तान के 90% लोगों को, 90% लोगों को लगता है कि भारत से युद्ध होगा तो ये लोग जीत जाएंगे। 90% केवल 10% लोगों को लगता है कि वो हार जाएंगे। और वो 10% जानते हैं कौन है? पाकिस्तान की फौज है। खैर, अल्लाह इन आतंकवादियों पर रहम करे, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी तो इन्हें रहम करने वाली है नहीं। इन लोग को लगता है कि किसी मासूम को बम फोड़ के मार देंगे, किसी होटल में ट्रेन में बम फोड़ देंगे तो इन्हें अल्लाह माफ करेगा और जन्नत देगा। देखिए, आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये अल्लाह का काम है, लेकिन आतंकवादियों को अल्लाह तक पहुंचा देना ये हमारी इंडियन आर्मी का काम है। ये वो है ना ब्लैक कैट। मोदी, इंशाल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। इंडिया वाले लेके जाओ, इंशाल्लाह हैदराबाद दक्कन में भी जीतेंगे। ये हर जगह जीतेंगे। इंडियन आर्मी भी आएगी। यार ये मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, जेडिस पाकिस्तान जरूर आएंगे लेकिन तलवार लेकर आएंगे, तुम सबको जबह करने आएंगे। हम बाबरी मस्जिद का बदला लेने आएंगे। कौन है? हम गुजरात के, कश्मीर के और मुजफ्फरनगर के मजलूमों का बदला लेने आएंगे। रियल फुटेज लग गई सारी है ना। ओके, यहाँ क्या हो रहा है भाई? स्टोन किस स्टोन मार रहे हैं जी? क्या कर रहे हैं? अच्छा, इंडियन आर्मी नेक्शन मोड। ओके, गाड़ी भी साजिश कर रहे हैं, अभी बता रहे थे। और कट दंगा फसाद जो करते ऐसे ही होना चाहिए। दंगा फसाद नहीं होने चाहिए, मतलब प्रोटेस्ट करना है तमीज से करो। हाँ, यार प्रॉपर्टी का नुकसान तो नहीं पहुंचाओ ना, पत्थर मारो इसे। नसर अब्बासी, शाहीन, गजनवी, गौरी और अबाबीर, ये नाम नहीं भारत की तबाही का सामान है। ये बोलते हैं हमारे पास क्या है? भाई पास है भाई।
चाइना को बोल रहे ना, दिस इज नॉट योर ब्लडी एरिया. ओके, चाइना वाले चाइना को ये पाक फौज ने दुश्मन के 1, 2, 3, 4 नहीं 45 टैंक्स तबाह कर दिए और कई टैंक कब्जे में ले लिए. जंग का पासा पलटता देखकर भारतीय फौज हवास बाख्ता हो गए और टैंक छोड़कर फरार होने लगे. इसको संस्कार और घर में ठीक नहीं मिले. अब्बू से ऐसे बात कर रहा है, गलत बात मत करो. सुनो, सबके सब भगोड़े पैदा करे पाक फौज ने. मेजर को कुछ मत बोलना, मेजर अब्बू है तुम्हारा. अब्बू जी से इज्जत से बात करते हैं बेटा. गलती से मेरे सामने आ गए, एनकाउंटर हो जाएगा एनकाउंटर. अब बताओ क्या सबसे पहली चीज. एक बार प्लीज, कभी भी नहीं देखते हुए वेपन को नहीं लेना. अच्छा ठीक है, इट इज अगेंस्ट आर एथोस बोल लो जी, या ड्रिल बोल लो जी. जस्ट सीरियस होल्ड योर वेपन. ये हाथ है आपको, ऐसे आएगा और ऐसे कैसी लगी आपको ये वीडियो? इंडियन आर्मी तो सैविज तो है. सैविज थी यार बहुत ही. और ये जो मतलब की पाकिस्तान न्यूज में से भी जो बोलते हैं ना कि अब वो हमारे पास वो हथियार है, ये वो है, और मतलब की जंग की बात है. ये मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये ना ये वो दोस्ती नहीं करवाएगा और दुश्मनी करवाएगा. इसकी वजह से मतलब एक दो बोलने की वजह से पूरा पाकिस्तान सुनते हैं इनकी वजह से. और ये बहुत ही गलत बात है, पूरा पाकिस्तान को सुनना पड़ता है. और एक दो लोगों की, हाँ एक दो लोगों की वजह से. और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा हमारा रिएक्शन, लाजमी बताना. बहुत अच्छे मूवमेंट थे. मतलब कि देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा बोलता है फिर जवाब मिलता है आगे से. बोलो ही ना यार, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो यार दोस्ती का हाथ उधर से भी बढ़ेगा. लेकिन नहीं, जंग की बातें करनी है न्यूज पे बैठ के यार, क्या कह सकते हैं. आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन. तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए.